पटना में वक्फ बोर्ड से जमीन को लेकर एक और विवाद। सरकारी जमीन को वक्फ की जमीन बताकर हो रहा निर्माण कार्य, निर्माण कार्य कराने का स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं। विरोध में लोगों ने किया है प्रदर्शन। देखिए पटना से यह खबर है, पटना में सरकारी जमीन पर वक्फ वर्सेस स्थानीय लोग की अब जंग छिड़ी हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक ही इलाके में जमीन पर वक्फ से दो दो विवाद अब खड़ा हो चुका है। कहा जा रहा है कि अब सरकारी जमीन को वक्फ की जमीन बताया जा रहा है, इसी को लेकर के पूरा विवाद गरमा रहा है। और राजधानी पटना में वक्फ बोर्ड के साथ जमीन को लेकर एक और विवाद सामने आया है। पटना जिले के फतुहा में सरकारी जमीन पर वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर निर्माण कार्य कराने का स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है। कुछ दिन पहले ही फतुहा के गोविंदपुर में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। स्थानीय नागरिक और वक्फ बोर्ड के बीच तनातनी का यह मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि दूसरा मामला सामने आ गया है और फिर से एक नया विवाद पटना में देखने को मिल रहा है। तो पटना में फिर से वक्फ से जमीन पर विवाद। फतुहा रेलवे स्टेशन के पास निर्माण पर विवाद हो रहा है। सरकारी जमीन को वक्फ की जमीन बताकर के मार्केट निर्माण किया गया। दुकानदारों से मार्केट बनाने के नाम पर पैसे की उगाही का आरोप है। फिलहाल जमीन पर मार्केट अर्धनिर्मित स्थिति में है। और आइए इस पूरे विवाद पर स्थानीय लोगों का क्या कहना है ये सुनते हैं। ये कब्रिस्तान के नाम पे अधिग्रहण कर लिया इन्होंने काफी भूमि और उसमें 14-14 अर्धनिर्मित दुकान है और आगे करीबन इसमें 40-50 दुकान है जो गरीब लोग लगाते हैं, उनसे इन लोग महीना चाहते हैं, महीने का डिमांड करते हैं। और कभी सरकारी माध्यम से कब्रिस्तान के आड़ पे हर समय इन लोगों का दोहन किया जाता है, जबकि ये वास्तविक भूमि आपकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रोड की है, मेजर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रोड है। और सर हम लोग इसके कब्रिस्तान के भूमि को बिल्कुल नहीं टच करते, बल्कि इन्होंने ही कब्रिस्तान के भूमि के अंदर ट्रांसफार्मर इंक्रोच कर लिया, 14-14 दुकानें बना ली। इस पूरे प्लॉट को ये चाहते हैं कॉमर्शलाइज कर लेना। अभी वर्तमान में सचिव अमजद रजा है, बग बोर्ड का सचिव है। दुकान बनाने के नाम पर पैसा लिया, आलीवाम भर्ती पैसा लिया, उसके बाद अमजद रजा पैसा मांगने के लिए आया, खाली पैसा लेकर के कहता है कि हम दुकान बना के देंगे, नहीं तो पैसा हटवा देंगे। यही बार बार कह करके हम सबको तंग फजियत करता है। ये सब आतंकवादी के काम कर रहा है कि पैसा लो, ठगो और आइस करो। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी पटना से रुपेश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। रुपेश, ये पूरा मामला क्या है? जितना समझ में आ रहा है कि कहा जा रहा है कि सरकारी जमीन को वक्फ की जमीन बता दिया गया है और इसीलिए पूरा विवाद गहरा रहा है। देखिए पटना के फतुहा में ये दूसरा मामला है। पहला मामला जो पिछले एक साल से चल रहा है और ख़ास करके ये मामला तब गर्म हुआ जब वक्फ को लेकर के जो विधेयक लाने की तैयारी हुई, उसके बाद से वक्फ बोर्ड ने नोटिस दे दिया स्थानीय लोगों को। जो गोविंदपुर है वहाँ पर वो पुश्तैनी ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है। स्थानीय लोगों का कहना है जो हिंदू बस्ती बसी हुई है, अब उस पूरी बस्ती को ही वक्फ बोर्ड कह रहा है कि पूरी बस्ती हमारी ज़मीन पर बसी हुई है। उन्हें वक्फ बोर्ड के द्वारा नोटिस दिया गया और 30 दिनों के अंदर पूरी बस्ती खाली कराने को उसमें कहा गया है। अभी JPC के जो मेंबर हैं संजय जायसवाल, वो वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने तमाम कागजात भी देखे हैं और इसकी रिपोर्ट भी वो JPC को देंगे। लेकिन उसके बाद एक दूसरा मामला सामने आया, जो फतुहा स्टेशन के ठीक सामने एक कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान के सामने जो ज़मीन है वो गैर मजरुआ ज़मीन है और वो मेजर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ज़मीन है, जिस पर पहले 24 मीटर रोड हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे कब्रिस्तान के सामने की ज़मीन को इंक्रोच करने का आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया। वहाँ पर 14 दुकानें बना दी गई जो कि अभी अर्धनिर्मित है और उसके ठीक सामने लोग, चूंकि जो स्थानीय दुकानदार हैं जिन्होंने गुमटी लगा रखी है प्रधानमंत्री योजना के तहत, वो वहाँ पे छोटे स्वरोजगार वहाँ पर करते हैं और वो वर्षों से करते आ रहे हैं। वहाँ का स्थानीय कुछ लोगों का कहना है कि उनके पिताजी भी यहाँ ये गुमटी लगाया करते थे, लेकिन अब वक्फ बोर्ड कह रहा है कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की गैर मजरुआ यानी कि ये सरकारी ज़मीन नहीं है बल्कि यह वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन बता करके जो वक्फ बोर्ड के सचिव हैं उन्होंने ना सिर्फ वहाँ पर दुकानें बनाई हैं बल्कि उन दुकानों के आगे जो गुमटियाँ लगी हुई हैं वर्षों से, उन गुमटियों को भी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर एक और विवाद बिहार में, बिहार की राजधानी पटना में। शुक्रिया रुपेश आपका हमसे जुड़ने के।